मेरे अब्बू के एक दोस्त है, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मेरे अब्बू को कहा, अच्छा तुम्हारे घर में तो खुसरा पैदा हुआ है। तो मेरे अब्बू घर आए, मेरे अब्बू ने ना हमारे घर में वो पुराना बेड होता था जिसकी ना लकड़ियों वाला बेड, उसका वो एक लकड़ी उठाई, मेरे अब्बू ने मार मार के मेरे ऊपर तोड़ दी ना। आई वॉज प्रोटेक्टिंग अ ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि वे रेप ऑफ विक्टम थी, मैंने उसकी FIR वगैरह करवाई। तो उसके मुजरिमों ने बदला लेने के लिए उसके साथ तो सुलह कर ली, लेकिन मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। अगर मैं ख्वाजा सरा हूँ या मेरे जैसे लोग ख्वाजा सरा हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है कि रोज़ाना जब सुबह उठती हूँ, दफ्तर जाने के लिए तैयार होती हूँ, शीशा देखती हूँ, तो वो तकलीफ और वो जो दर्द जो है, जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ। अच्छा मैम, कहा जाता है कि नाकामी सौतेली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। जब आप इतना कामयाब हुई, आपने इतनी स्ट्रगल की, इतने अवार्ड्स हासिल किए, क्वालिफिकेशन आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी अपनी फैमिली ने आपसे बाद में कोई रब्ता किया? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है। इन्होंने पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए इतना काम किया कि इन्हें आलमी अवार्ड गाला से नवाजा गया। इसके अलावा ये 6 आलमी अवार्ड विन कर चुकी हैं। इसके अलावा मैम नायाब का ताल्लुक उन 13 ट्रांसजेंडर्स में से है जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा BSc बॉटनी इन्होंने किया हुआ है और मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन किया हुआ है। इनकी क्या जर्नी है सारी जानते हैं मैम नायाब अली से। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? आई एम गॉड, बिल्कुल। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची? देखें जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए हैं। और उसके बाद जहाँ तक मैं अपनी जर्नी या अपनी कहानी को शुरुआत करूं, तो मेरी भी कहानी दूसरे ख्वाजा सराओं से मुख्तलिफ नहीं है। वो इस तरह से मुख्तलिफ नहीं है कि वो तमाम तकलीफ़ जो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी बर्दाश्त करती है। जब पैदा होते हैं तो माँ बाप डिसऑन कर देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। मैं भी आई वॉज 13 ईयर ओल्ड जब मेरी फैमिली ने मुझे डिसऑन कर दिया। एंड देन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बुलिंग का सामना करना पड़ा, हरेसमेंट का सामना करना पड़ा। और लोग समटाइम ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा आपको कब पता चला कि आप ख्वाजा सरा हो? या तो देखें, हमारा जो मुआशरा होता है ना, हमारा मुआशरा बताता है सबसे पहले ये जो लफ्ज़ है खुसरा, जनाना, ये हम अपनी फैमिली से सुनते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं। तो वो जब हम पैदा होते हैं तभी से वो हमें बुलाना, अच्छा तुम्हारे, हमारे माँ बाप को कहते हैं तुम्हारे घर में तो कोई खुसरा पैदा हो गया, तुम्हारे घर में तो कोई जनाना पैदा हो गया। तो वो तमाम जो तज़हीक के जुमले हैं उस वो सुन सुन के मेरा जो है वो बचपन वो परवान चढ़ा। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर वही तकलीफ। और मैं समटाइम अक्सर ऐसी बात करती हूँ कि मुआशरे के उन चेहरों से, उस दर्दनाक चेहरों से जो है वो मैं आशना हुई, जो कि शायद आई थिंक हमारे मुआशरे के लोगों को नहीं होना चाहिए। और हमारे ख्वाजा सरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे गुजरते हैं। मैंने जब अपनी डिग्री की इंटरनेशनल रिलेशंस में, और उसके बाद फिर आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, तो दैट वाज वेरी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट, मुश्किल था उसको आगे लेके चलना। अच्छा मैम, अपने कुछ नुमाया काम हमें बताइएगा कि आपने क्या क्या काम किए और आपको कौन कौन से अवार्ड्स जो है वो मिले गए? अच्छा, नुमाया काम में जहाँ तक देखें, सबसे पहले तो कानून साजी के लिए मैंने बहुत सी कोशिशें की हैं, कानून साजी, ताकि आई रियलाइज़ कि किसी भी मुआशरे के अंदर ना अमन और इंसाफ तब आ सकता है जब उसके अंदर मौसर कानून मौजूद हों। जब कानून मौजूद होते हैं तभी कानून का अमल दरामद हो सकता है। तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए कोई भी कानून साजी मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी। तो आई स्ट्रगल फॉर डैट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 के अंदर ऐसा कानून पास करवाया जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पे पज़ीराई हासिल मिली, बल्कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल ख्वाजा सरा अफराद हैं उनको वो तमाम बुनियादी हक मिल गए जो कि हमारे दूसरे आम शहरियों को मिले हुए थे, जैसा कि तालीम का, सेहत का, रोज़गार का हक। तो उसके साथ साथ मैं जो है वो पॉलिसी साजी के ऊपर काम करती हूँ। और जितनी भी, अगर मैं कह लूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिसियाँ, जितनी भी गाइडलाइंस, जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे मेरे हाथों से लिखे हुए हैं। अच्छा मैम, कहा जाता है कि नाकामी सौतेली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। जब आप इतना कामयाब हुई, आपने इतनी स्ट्रगल की, इतने अवार्ड्स हासिल किए, क्वालिफिकेशन आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी अपनी फैमिली ने आपसे बाद में कोई रब्ता किया?
लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी फैमिली मुझे अभी पहले तो मेरी बात भी नहीं होती थी इन सारी चीज़ों के बाद, जब मैंने इलेक्शन भी लड़ा, मैंने इंटरनेशनली सतह के ऊपर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आए रोज़ आजकल टीवी अखबारों के ऊपर मेरी खबरें जो है वो शाया हो रही होती हैं। मेरी फैमिली से कभी कभार मेरी बात तो हो जाती है, वो जो पहले से, लेकिन वो एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। शायद उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराती, मैं मुआशरे को ठहराती हूँ कि शायद मेरे माँ बाप के ऊपर इतना कितना ही प्रेशर हमारे मुआशरे का होगा कि वो अपने बच्चे को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी भी, इतनी कामयाबियों के साथ भी, इतनी रिस्पेक्ट के साथ भी। आई थिंक हमारा मुआशरा जो है वो उसने एक झूठी कह लें कि जिंसियत और सिन्फी जो है शनाख्त बनाई हुई है, अगर कोई भी थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ हो जाएगा तो उससे जो है वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा मैम, इंसान जितना भी तनावर दरख्त बन जाए अपने रूट से हट नहीं सकता। आप 13 साल अपनी फैमिली के साथ रही हैं, किसको याद करती हैं सबसे ज़्यादा? देखिए वालिदा जो है वो एक ऐसी शख्सियत होती है, माँ जो होती है कि माँ ने आपको नो माँ कोख में रखा होता है और फिर आपको पैदा किया होता है, तो लाइक माँ के साथ तो आप माँ के तो जिस्म का हिस्सा होते हो ना। तो फिर मैं अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ और मैं मिस भी करती हूँ। उसके बाद आज जो है वो तकरीबन मेरे 17 साल हो गए हैं कि मेरी ईदें और वो तमाम त्यौहार जो शायद शायद मुझे मेरे घर में गुजरने चाहिए थे, वो मैं अकेले जो है वो गुजारती हूँ, अपनी कम्युनिटी के साथ गुजारती हूँ, बिकॉज़ आई कंसीडर कम्युनिटी माय फैमिली। शुरू में तकलीफ बिल्कुल होती थी, लेकिन यू नो कि आज अब ज़रा आदत सी हो गई है, लेकिन आई थिंक के हर चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने मुश्किलात को हंसी के साथ उसको बर्दाश्त करना है, और जब आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर आपको वो मुश्किलात नहीं लगती हैं। मैम, जब आपको डिसोन किया गया, आपको निकाला गया था, आपको किसी और के हवाले किया गया था, वो कहानी हमारे साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। ऐसा जब मुझे ना मेरे अब्बू ने मेरे अब्बू के एक दोस्त है, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मेरे अब्बू को कहा अच्छा तुम्हारे घर में तो खुसरा पैदा हुआ है। तो मेरे अब्बू घर आए, मेरे अब्बू ने ना हमारे घर में वो पुराना बेड होता था जिसकी ना लकड़ियों वाला बेड, उसको वो एक लकड़ी उठाई मेरे अब्बू ने मार मार के मेरे ऊपर तोड़ दी ना। तो अब जब वो तोड़ी ना तो उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल लिया। वो लकड़ी मुझे आज भी वो शायद वो इतनी तकलीफ मुझे उस टाइम तकलीफ महसूस ही नहीं हुई, तो वो मुझे लेकिन वो रात अभी तक याद है जब मेरे अब्बू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और वो मैं रात सड़क के ऊपर गुजारी और फिर मैं अपनी नानी के पास चली गई और नानी ने मुझे सहारा दिया, और जब नानी की 2 साल के बाद वफात हुई तो मेरे मामू ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तो यू नो दैट इज़ अ सो थिंग के इट्स अ रियलिटी, और ये सिर्फ नयाब अली की स्टोरी नहीं है। शायद नयाब अली आपको हंस के और एक मुस्कुरा के और एक बड़े एक शुगर कोटेड और सैनिटाइज्ड वे में आपको सुना दे कि अच्छा ये हुआ, लेकिन इसके ऊपर अब दुख मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं हील कर चुकी हूँ। लेकिन हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो अभी भी हील नहीं कर सकी, वो आज भी अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को आज भी याद करके रोती है। अच्छा, जब आपको डिसोन किया गया, आपको मामू ने भी घर से निकाल दिया, आप आम लोगों में क्यों नहीं रहे, इसी कम्युनिटी का हिस्सा क्यों बने आप? देखें, आम कम्युनिटी जो है वो एक 13 साल के मासूम बच्चे को जिसको सही और गलत का फ़र्क नहीं पता, तो उसके साथ क्या करता है हमारा मुआशरा, हमारे ये जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको जारी बात है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, और शायद बहुत सी ऐसे वाक़ात हैं जिसको मैं नहीं भी बताना चाहती। अच्छा मैम, घर से डिसोन करने के अलावा को आपकी ज़िंदगी का ऐसा तल्ख वाक़या जो आप भूल नहीं पा रही हैं, या इतनी ज़्यादा बुलंदी पे पहुंच के भी आज भी आपको याद आए तो आपको आंखों में आंसू आ जाते हैं? जहाँ तक आंसू की बात है तो यस, बीइंग अ पर्सन आपके इमोशनल जो है वो बिल्कुल ट्रॉमा होता है, लेकिन उस इमोशनल ट्रॉमा के साथ साथ एक ऐसी चीज़ है कि मैं 2016 में मेरे पे एसिड अटैक हुआ था, और वो एसिड अटैक इस तरीके से हुआ था, आई वाज प्रोटेक्टिंग अ ट्रांसजेंडर वुमन जो कि वे रेप ऑफ विक्टिम थी, मैंने उसकी FIR वगैरह करवाई, तो उसके मुजरिमों ने बदला लेने के लिए
उसके साथ तो सुलह कर ली, लेकिन मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। तो आज भी बहुत सी सर्जरीज से गुजरने के बावजूद मेरे चिन के ऊपर, मेरे नेक के ऊपर, मेरे चेस्ट के ऊपर बहुत से ऐसे स्कार्स मौजूद हैं, वो शायद उस दर्द को और तकलीफ़ को आज भी जो है वो उजागर कर देते हैं। आज भी क्या, बल्कि रोज़ाना जब सुबह उठती हूँ, दफ्तर जाने के लिए तैयार होती हूँ, शीशा देखती हूँ, तो वो तकलीफ़ और वो जो दर्द जो है, जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ, उस वो मुझे याद, मेरी जो है वो ताज़ा हो जाती है। और लेकिन उस दर्द के साथ मैं उसको समझती हूँ कि आई थिंक के इतने आलमी अवार्ड्स, इतने कौमी अवार्ड्स के साथ साथ ये एक ऐसा अवार्ड है जो मुझे मुआशरे ने दिया है, और मेरे उन कामों के बदले में जो मैंने शायद अपने साथियों को बचाने के लिए किया, तो डैट इज़ आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ। माय स्कार्स आर माय बिगेस्ट अवार्ड दैट आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ। अच्छा मैम, जैसे आपने इतनी कामयाबियाँ समेटी हैं, चंद होते हैं ख्वाजा सरा इस कम्युनिटी में जो इस हद तक जाते हैं, बाकी सारे क्यों नहीं इस तरफ आते, तालीम हासिल क्यों नहीं करते, जॉब्स की तरफ क्यों नहीं आते, उस कम्युनिटी का हिस्सा रह के भी अपनी तरक्की की तरफ क्यों नहीं आते? वो हमारा मुआशरा वो अपॉर्चुनिटीज़ देता कहाँ है? आपको तो मिली है ना। देखें, मुझे मिली है, हर कोई जो है वो इस तरीके से एक, वो कह लो कि एक यूनिक स्टोरी तो नहीं होती ना। हर कोई इंसान इतना स्ट्रांग और इतना कर्जियस और इतना रिजिलिएंट नहीं होता कि हर मुआशरे के हर माहौल के अंदर सर्वाइव कर जाए, लोगों की गालियां सुन के भी सर्वाइव कर जाए, लोगों ने जान से मारने की कोशिशें भी की हो, लोगों ने तेजाब गर्दी का निशाना भी बनाया, फिर भी वो कहे कि नहीं ये करना। तो यू नो देयर आर सम पीपल, लेकिन हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारे जो ख्वाजा सरा अफराद हैं, उनको शायद उनको उस तरह के अलाइज ना मिले हों, शायद कोई उनको समझाने वाला ना मिला हो, क्योंकि जिस माँ बाप ने तरबियत करनी थी और फिर जिन उस्तादों ने तालीम देनी थी, ना उनको अच्छे उस्ताद मिले हों, ना अच्छे माँ बाप मिले हों, तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो अच्छा ज़्यादा काम नहीं कर पाते। मैम आखिरी सवाल आपसे, जो लोग ख्वाजा सराओं पे या आज भी आप पे बुलिंग करते हैं, ताने कसते हैं, तो इन लोगों को क्या पैगाम देंगी? बच्चों को कैसे एजुकेट किया जा सकता है, उन लोगों को एजुकेट, और किस रूट लेवल पर जाके एजुकेशन की ज़रूरत है? देखें सब, इसका मैं ना सिर्फ दो लाइनों में ही जवाब दूंगी, और ये मेरा मैसेज भी होएगा। मैं आपके जो है वो ऑडियंस को जो है वो मुखातिब करना चाहती हूँ कि देखें, आप मर्द पैदा हुए, आप औरत पैदा हुए, इसमें आपका कितना ही अख्तियार था, आपको अल्लाह ने इस तरीके से पैदा किया। और अगर मैं ख्वाजा सरा हूँ या मेरे जैसे लोग ख्वाजा सरा हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो अगर आपको अल्लाह की तख्लीक पर यकीन है और अल्लाह की तख्लीक के कामिल होने पे यकीन है, तो खुदारा हमें एक्सेप्ट करें और हमें अपने जैसा इंसान समझें और वो तमाम मौके दें जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। थैंक यू।